हजारी विवाद मामले में दिल्ली पुलिस के जवान काम पर लौट आए हैं, लेकिन वकीलों ने हंगामा शुरू कर दिया है। रोहिणी कोर्ट के बाहर वकील प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें एक वकील ने आत्मदाह की कोशिश की है। इतना ही नहीं, एक वकील ने तो रोहिणी कोर्ट परिसर की बिल्डिंग से कूदने की भी कोशिश की। हालांकि दोनों वकीलों को वक्त रहते बचा लिया गया। हाँ जी, आज आपने आत्मदाह किया है, क्या वजह है? हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई, हमारा आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। कल वालों ने जो धमकियां दी है, काले कुत्ते, चोर, डाकू, सब लोग हम, और उसके बाद भी पुलिस वाले जो हरकतें कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है उन्हें अरेस्ट किया जाए। तो अभी तो न्यायालय इसको देख रहा है, इस चीज को। कल एक साकेत कोर्ट में एक FIR हुई, साकेत कोर्ट में एक FIR हुई, जिसमें 392 दो इंसिडेंट हुए पुलिस वालों के साथ। उनके साथ दो इंसिडेंट में 392 सेक्शन लगा दिया, सिर्फ वो क्लिप में। क्लिप की वजह, क्लिप देखे तो सही, 392 पुलिस वाले खुद जब कानून के ज्ञाता हो गए तो ये क्या बताएंगे? तो आगे और क्या आपकी आंदोलन कैसे चलेगा? बिल्कुल शांतिपूर्वक हम अपना आंदोलन चलाएंगे, और किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हमारा नहीं है। हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है, हम वो लड़ेंगे। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हड़ताल खत्म करने का आह्वान किया, इसमें आपका क्या विचार है? मैं तो कहता हूँ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो भी स्टेप लिया था वो गलत लिया है। उन्हें हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई हमारे साथ खड़े होकर लड़नी चाहिए। कल पुलिस वालों ने ITO के पास उनके परिवार वाले ने धरना दिया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? परिवार वाले हमारे भी हैं, हमारे भी परिवार है, लेकिन हमारे परिवार के बारे में कोई नहीं सोच रहा। दरअसल वकीलों का कहना है कि मीडिया को बरगलाया गया है और वकीलों को पीटने का वीडियो भी नहीं दिखाया, यानी कि एक पक्ष की बात रखी जा रही है, जिसको लेकर वो काफी आक्रोश में है। लोग उनके परिवार वाले बहुत प्लान तरीके से ITO के सामने बैठ गए। ITO के सामने बैठने के बाद उन्होंने इस तरह से प्रेशर बनाया, और मतलब जिस तरह से उनके रोल सामने आ रहा है, ये प्रूव करता है कि उनको जुडिशियल इंक्वायरी पे विश्वास नहीं है। बी वी लॉयर, हमें कंप्लीटली फेथ है अपने कोर्ट के ऊपर, कोर्ट की जुडिशियल इंक्वायरी। ये भी बता दें सामने से कि कल जो दे रहे हैं कोई जाकर है, वो बार बार आप देखिए ना, आपने एक बार इसके लिए आप लगातार जो मिस्टर जाकर पुलिस ऑफिसर है वो धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, जान से मारने धमकी दे रहे हैं, तो आप चुप बोल रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत दुख की बात है कि एक भी जो इंसिडेंट है वो वकीलों की बात को हम पक्ष में नहीं कर रहे, लेकिन सच्चाई तो दिखाइए। ये तो बताइए वो कितने दुखी है। आपने पूरा मीडिया पूरे दिन चला, पूरे दिन एक एपिसोड चला, वो एपिसोड इसलिए चला कि पुलिस वाले कितने दुखी है, पुलिस वाले कितने दुखी है, अरे लॉयर्स कितने दुखी है, किस तरह किस माहौल में काम कर रहे हैं। हमें तो कोई पेंशन भी मिलने वाली नहीं है, हमारा काम छूटे क्या होगा? देखिए पक्ष, उसके बाद भी बहुत सारे वीडियो ऐसे थे जो सच्चाई को सामने ला सकते थे, लेकिन कल जो वीडियो चले हैं मीडिया के अंदर वो केवल एक तरफा चले हैं, केवल वो वीडियो चले हैं जो पुलिस वालों को सपोर्ट करने के लिए दिखाए गए। आज का अग्रेशन जो है वो इसीलिए था पुलिस। अब हम जिससे पता लगा, एक वकील भाई की ने अपने अपने आप को आग लगाने की कोशिश की, ये अग्रेशन है। हम ये चाहते हैं कि दोनों पक्षों की बात दिखाई जाए, और दोनों पक्षों की बात वहाँ खत्म हो जाती है जब जुडिशियल इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है। वी आर फुल बेट ऑन जुडिशियल। दरअसल 2 नवंबर को दिल्ली की 30,000 कोर्ट में पार्किंग विवाद को लेकर पुलिस और वकीलों में हिंसक झड़प हो गई, जिसने अब तक पूरी तरह विकराल रूप ले लिया है। 5 नवंबर को पुलिस हेडक्वार्टर पर दिल्ली पुलिस के करीब 5,000 जवानों ने प्रदर्शन किया, जो करीब 11 घंटे तक चला। वहीं अब दिल्ली की सभी कोर्ट में वकीलों द्वारा हंगामा किया जा रहा है और अपनी मांग रखी जा रही है। देखना अब ये होगा कि कैसे पुलिस और वकीलों की आपसी लड़ाई सुलझ पाती है। नवोदय टाइम्स के लिए कर्ण ठाकुर के साथ अनिल अत्री की रिपोर्ट, दिल्ली।